नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्री के लेटेस्ट जो इन्वेस्टमेंट है रिलायंस जियो में उसके बारे में। जो लेटेस्ट हमारा जियो प्लेटफॉर्म में इन्वेस्टमेंट है एटलांटिका का, जो जनरल एटलांटिका है यूएस बेस्ड प्राइवेट इक्विटी फर्म है, उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। और आगे रिलायंस का जो शेयर प्राइस का मूवमेंट होगा वो किस प्रकार का होगा इस बारे में हम बात करेंगे। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने रिलायंस में इन्वेस्ट किया है या रिलायंस के राइट इश्यू में पार्टिसिपेट हो रहे हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले बता दें हमारे चैनल पर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज हैं जिसे देख करके आप स्टॉक मार्केट सीख सकते हैं। तो हमारे चैनल पर आइए, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड सारे वीडियोस को देखिए और म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना सीखिए। और वीडियो को लाइक करना शेयर करना नहीं भूलिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल के बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो चलिए हम अपने जो मेन टॉपिक है उस पर आते हैं। तो जो हमारा यूएस प्राइवेट इक्विटी फर्म है जनरल अटलांटिक विल इन्वेस्ट RS 6598.38 करोड़ फॉर ए 1.34% स्टेक इन रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म। तो दोस्तों ये चौथा कंपनी है जो कि जियो प्लेटफॉर्म में इन्वेस्ट कर रहा है। उससे पहले आप जान चुके हैं कि फेसबुक इसमें इन्वेस्ट किया, उसके बाद सिल्वर लेक, उसके बाद जो भिस्टा इक्विटी फर्म है, उसके बाद आप देख सकते हैं जनरल अटलांटिका, ये चौथा कंपनी है जो कि इसमें इन्वेस्ट कर रहा है जियो प्लेटफॉर्म में। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये रिलायंस के डेप्ट को कम करने के लिए, क्योंकि रिलायंस अपना जीरो डेप्ट प्लान लेकर आया है कि 2021 तक जो रिलायंस का डेप्ट है, मुकेश अंबानी का जो प्लान है कि जीरो डेप्ट होना चाहिए कंपनी को, उसमें एक बहुत बड़ा स्टेप लिया गया है। और जो राइट इश्यू के तहत आप शेयर अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये रिलायंस के स्टॉक को बहुत ही ज्यादा सपोर्ट करेगा और उसके प्राइस मूवमेंट को आगे कैरी करने में मदद करेगा। तो देख सकते हैं फेसबुक, सिल्वर लेक, विस्टा इक्विटी एंड अटलांटिका आर पार्टनर इन जियो। तो अब ये सारे के सारे जो है जियो में पार्टनर हो चुके हैं, फेसबुक, सिल्वर लेक, विस्टा इक्विटी और अटलांटिक, तो ये सारे के सारे अब पार्टनर हो चुके हैं। और सारे के बात करेंगे कि कितना परसेंट का स्टेक इन चारों का जो है जियो प्लेटफॉर्म में हो चुका है। वही देख सकते हैं अटलांटिक इन्वेस्टेड एन इक्विटी वैल्यू ऑफ 4.91 लाख करोड़। तो 4.1 लाख करोड़ के इक्विटी वैल्यू पे इन्वेस्ट किया और जो इंटरप्राइज वैल्यू है वो 5.16 लाख करोड़ का। देख सकते हैं जो इंटरप्राइज वैल्यू है वो जियो प्लेटफॉर्म का 5 लाख करोड़ से भी अधिक हो चुका है। अभी जो हमारा है 9.8 लाख करोड़ रिलायंस का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, तो उसमें समझ सकते हैं कि जियो प्लेटफॉर्म का जो इंटरप्राइज वैल्यू है वो 5.1 लाख करोड़ हो चुका है। तो समझ सकते हैं कि जियो एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है रिलायंस इंडस्ट्री के जो स्टॉक्स है उसके मूवमेंट में। तो रिलायंस में जो बहुत बड़ा मूवमेंट आया है, रिलायंस का स्टॉक कभी गिरावट में 1000 के नीचे मतलब कि 800 समथिंग प्राइस तक जा चुका था, अभी आपको वो 1400 समथिंग पे आपको मिल रहा है। तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे, रिलायंस के स्टॉक को भी ये क्या मूवमेंट देखने मिला है। उसके बाद देख सकते हैं कि सो फार रिलायंस रेज्ड 67,194 करोड़ इन लेस देन 4 वीक्स, मतलब एक महीने में, मतलब 4 सप्ताह के अंदर। देख सकते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज 67,194.75 करोड़ लेस देन 4 वीक में रेज कर चुका है। तो रिलायंस का जो जीरो डेप्ट प्लान है वो बहुत ही फास्ट मूव कर रहा है, मतलब अपने गोल की ओर। रिलायंस का जो गोल है, मतलब मुकेश अंबानी का जो गोल है जो 2021 तक जीरो डेप्ट बनाने के, उस ओर रिलायंस जो है तेजी से बढ़ रहा है। वहीं रिलायंस प्लान्स टू बिकम डेब्ट फ्री बाय 2021। तो ये जो है 21 तक का जो रिलायंस का जीरो डेब्ट का प्लान है उसमें बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि रिलायंस जो है जीरो डेब्ट को हासिल कर सकता है, क्योंकि लगातार देख सकते हैं कि आप इसमें जो है रिलायंस को लगातार इसमें सहायता मिल रहा है। नया नया जो कंपनियां है उसमें इन्वेस्ट कर रही है, अभी कुल चार कंपनी इन्वेस्ट कर चुकी है। यहां पर देख सकते हैं फेसबुक इन्वेस्टेड RS 43,574 करोड़ फॉर ए 9.99% स्टेक। सिल्वर लेक इन्वेस्टेड 5,656 करोड़ फॉर 1.51% स्टेक। वहीं विस्टा इक्विटी पार्टनर्स इन्वेस्टेड RS 11,367 करोड़ फॉर ए 2.32% स्टेक। वहीं जनरल अटलांटिक विल इन्वेस्ट RS 6,598.38 करोड़
फोर ए 1.34% स्टेक इन जियो प्लेटफॉर्म। तो ये सारे के सारे फोर इन्वेस्टमेंट है जिसके तहत जो है हमारा जियो प्लेटफॉर्म में चार कंपनी इन्वेस्ट कर चुकी है, जिसके कारण रिलायंस जियो का जो देख से इंटरप्राइज वैल्यू है वो 5.16 करोड़ हो चुका है। और जो आगे है ऐसा न्यूज में आ रहा है कि जो सऊदी अरब स्थित मतलब सऊदी अरब की जो कंपनी है अरबिया पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड PIF also considering to invest stake in Jio platform। ये भी जो हमारा है सऊदी अरब स्थित जो हमारा PIF है ये भी Jio platform में एक minority stake के लिए invest करने के लिए सोच रहा, ऐसा Bloomberg report जो है last week में वहाँ से खबर आ रही है। तो अगर ये भी हो जाता है तो निश्चित है कि Reliance के price को मतलब Reliance share के price को बहुत ही ये हमारा basic जो है support करेगा कि Reliance का जो आपका share price है जो stocks है वो आपको नीचे के value पर नहीं मिले, क्योंकि जो जियो का अभी बिजनेस है वो भी चल रहा है, जियो का जो रेवेन्यू है वो भी जनरेट हो रहा है, उस पर ज़्यादा कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। सिर्फ जो रिलायंस का पेट्रोलियम और केमिकल और ऑयल गैस है ये इफेक्टेड हुआ है बिजनेस इस लॉकडाउन में। तो ऐसे में ये इम्पॉर्टेंट है कि जियो कैसा रेवेन्यू देता है और जियो में कितना इन्वेस्टमेंट आता है रिलायंस के डेब्ट फ्री होने के लिए। चलते हैं हम अब रिलायंस के स्टॉक के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के जो स्टॉक्स है उस पर देखते हैं। अभी करंट प्राइस जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर का वो है 1453 रुपीज़। और ये स्टॉक्स अभी कुछ ही दिनों पहले देख सकते हैं हम 5 डेज का चार्ट लगाते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं 1600 के आसपास हुआ करता था, 1600 के आसपास। तो समझ सकते हैं इसमें इधर बहुत ही करेक्शन आया था, लेकिन अब ये करेक्शन फिर से तेजी में देखने मिल सकता है आपको, क्योंकि समझ सकते हैं कि जो फिर से एक इन्वेस्टमेंट आया है हमारा जो अटलांटिका की तरफ से ये रिलायंस के शेयर में एक तेजी ला सकता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जब हम 6 मंथ का चार्ट निकालते हैं तो यहाँ पर 23 मार्च को रिलायंस अपना लो बना रहा था 872 रुपीज़ का, 872 रुपीज़ का लो बना रहा था रिलायंस। तो समझ सकते हैं जिन्होंने भी यहाँ पर गिरावट में बाय किया होगा वो अभी बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट में होंगे। तो इस तरह का जब भी करेक्शन आता है तो आप ज़रूर बाय करें। वहीं आप एयरटेल देखेंगे तो रिलायंस का स्टॉक कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं किया है। वहीं हम आपको 5 ईयर्स का चार्ट दिखाते हैं, देख सकते हैं रिलायंस कितना बेहतरीन रिटर्न दिया है। वहीं मैक्सिमम ईयर की बात करेंगे तो देख सकते हैं रिलायंस में बीच में भी यहां पर 2008 के क्राइसिस में भी गिरावट आया था, फिर रिलायंस बहुत दिन तक अंडर परफॉर्म रहा, लेकिन जब से जियो आया है 2017 से देख सकते हैं जब से जियो आया है रिलायंस इंडस्ट्रीज में बहुत ही तेज़ी देखने मिला है। देख सकते हैं रिलायंस का स्टॉक बहुत ही बेटर परफॉर्म किया है जब से जियो आया है। तो समझ सकते हैं कि जियो आने से रिलायंस इंडस्ट्रीज में के स्टॉक में बहुत ही तेज मोमेंटम आया था, क्योंकि रिलायंस जियो जब से अच्छा परफॉर्म कर रहा है तभी से रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो स्टॉक का वैल्यूएशन है वो बहुत ही बढ़ चुका है। और अभी देख सकते हैं जो पी रेशियो है रिलायंस इंडस्ट्रीज का वो 23.11 है, और ये पी रेशियो बहुत ही कम हुआ करता था, इधर रिलायंस के पी रेशियो में बहुत ही तेज़ी देखा गया है। तो रिलायंस के स्टॉक में जो हमारा तेजी है वो पी रेशियो में भी तेजी देखने मिलता है, और रिलायंस जैसे आपको गिरावट वाले मार्केट में मिलता है तो आप रिलायंस में इन्वेस्ट करने से ना चुके, क्योंकि रिलायंस आगे जा कर के एक मल्टीबैगर रिटर्न दे सकता है। तो ये हमारा कुछ व्यू था रिलायंस का जो ये फोर्थ डील है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कोई भी डिसीजन लेने से पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करने से पहले अपना रिसर्च कीजिएगा, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।